हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज दोस्तों हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी तक जो टेस्ट सीरीज चल रही थी आपकी वो करंट अफेयर्स की चल रही थी, वो आपकी चलती रहेगी। यानी जो मॉर्निंग में 5 बजे आती है टेस्ट सीरीज, ठीक है, वो आती रहेगी। इसके अलावा ये नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही जो कि दोपहर में 12 बजे अपलोड की जाएगी, ठीक है। 12 से 1 के बीच में आपको यह टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके माध्यम से आप जीएस पर अच्छी खासी पकड़ बना सकते हो और देख सकते हो कि आपका जीएस का पोर्शन कितना तैयार है। एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज के टेस्ट सीरीज में मेरा टारगेट यह है कि आपको मैं 5 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं देने वाला हूं, मतलब कि कुल 25 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। उम्मीद है कि नॉर्मल जो लोग होंगे वो 5 क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत जो तेज लोग होंगे वो 10, 12, 15 अटेम्प्ट कर पाएंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए कोशिश करिएगा, अगर अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करते हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल से, ठीक है। और कोई चेंजिंग वगैरह करनी होगी तो बता दीजिएगा, मैं उसी हिसाब से कर लूंगा। और हाँ, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसको पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को हमारे, ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए कि हम लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि वह ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बड़ा आसान प्रश्न मैंने रखा स्टार्टिंग का 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना होए। कह रहा है कि वह ज्वालामुखी बताइए जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, स्ट्रॉम्बोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब बात आती है कि स्ट्रॉम्बोली है कहां पर और इसको प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है। तो याद रखिए, स्ट्रॉम्बोली जो दोस्तों ये इटली नामक देश में, इटली का नाम सुने ना, इटली नामक देश में, इटली में कुल मिलाकर के 3 ज्वालामुखियां हैं। कितनी ज्वालामुखियां इटली में? इटली में कुल मिलाकर के 3 ज्वालामुखियां हैं और उसमें से 2 जो है वो जागृत ज्वालामुखी है। एक तो आपका यही जो प्रकाश स्तंभ कहा जा रहा है स्ट्रॉम्बोली। स्ट्रॉम्बोली को प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इसमें हर 15 मिनट में उद्गार होता है, हर 15 मिनट में एक ब्लास्ट, हर 15 मिनट में एक ब्लास्ट, ठीक है। अब आप सोचो कि पूरे दिन में कितने ज्यादा उद्गार होते हैं, और ऐसा उद्गार हजारों वर्षों से चला आ रहा है। रात के समय जब ये उद्गार होता है तो पूरा उजाला आ जाता है, क्योंकि इटली जो है ये आपके भूमध्य सागर के पास में ही है, ठीक है, इसलिए भूमध्य सागर में एक उजाला फैल जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है कौन सा? स्ट्रॉम्बोली, ठीक है। अच्छा, इटली में मैंने कहा कि 3 मिलाकर ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा दूसरा ज्वालामुखी है माउंट एटना। नाम सुना है ना, माउंट एटना भी जो है आपका, ये भी आपका जागृत ज्वालामुखी है। और एक जो है शांत ज्वालामुखी है, यहीं पर है, विसुवियस नाम है, ठीक है। तो याद रखिए विसुवियस यानी जिसका फ्यूज, जो फ्यूज हो गया, विसुवियस फ्यूज ऐसे कुछ बना लीजिए, ठीक है, विसुवियस। याद रखिए ये भी आपका इटली में है लेकिन ये फ्यूज हो चुका है, मतलब ये शांत ज्वालामुखी है। एक क्वेश्चन और कि जो इटली में आपका स्ट्रॉम्बोली है ये स्पेशली किस जगह पर है, क्योंकि इटली तो बहुत बड़ा देश है। तो याद रखिए इटली के पास में एक सिसली नामक जगह पड़ता है, सिसली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। कहां पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। तो याद रखिए मैंने यहां से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? बताइए संसद में राष्ट्रपति को अगर कोई अभिभाषण देना है तो इसके लिए अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। याद रखिएगा कौन तैयार करता है? इनका अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, बट आपको तैयार रहना है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि सीधे हम लोग पर्टिकुलर उत्तर के ऊपर बात करेंगे और उसको डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, चलिए अगला देखते हैं। करा भारत के संविधान को केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन ये किस पर आधारित है? मतलब कि किस अधिनियम में ये कहा गया कि भारत के संविधान में जो है शक्तियों का बंटवारा होगा केंद्र राज्यों के बीच में, ये जो है आपके किस अधिनियम में कहा गया, जल्दी से सोच के बताइए। चलिए अगर सोच लिया तो बढ़िया बात, और नहीं सोचे हैं तो याद रखिए भारत सरकार अधिनियम आया था ना, भारत सरकार अधिनियम कई सारे आए थे, भारत सरकार अधिनियम 1858 भी था, 92 भी था, फिर आपका 1919 भी था, 1935 भी था, तो उसमें से कौन सा सही है? तो याद रखिए 1935 सही है, क्योंकि 1935 में आपको पता होगा द्वैध शासन का अंत कर दिया गया था, ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली जो चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया था 1935 में। ये स्टार्ट कब से हुई थी? तो 1919 मैंने बताया था, 2 बार लिखा है, तो यहीं से द्वैध शासन शुरू हुआ था और यहां पर जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों 1935 का अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम है, क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे
संविधान की 3/4 या कहा जाता है कि 2/3 चीज़ें कहाँ से ली गई, वो आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। इसका मतलब ये बहुत बड़ा अधिनियम था, ठीक है। और दो तीन बातें जो हैं इंपॉर्टेंट है, वे है कि वर्मा का अधिनियम जो आया था वो भी इसी में इंक्लूड किया गया था, यानी वर्मा को भारत से अलग किया गया वो 1935 के अधिनियम में बताया गया था, ठीक है, उसके लिए पूरा प्रावधान है। इसके अलावा सिंध प्रांत को बम्बई से अलग किया गया, बिहार नामक एक नया प्रांत बनाया गया, उड़ीसा नामक नया प्रांत बनाया गया, ये सारे काम भी आपके 1935 वाले अधिनियम से हुए हैं। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये कि संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी कहां दिया था, संघीय न्यायालय, याद रखिए आपसे एग्जाम में पूछे संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कहां दिया गया, और पूछ दे कि रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट में दिया गया, और भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया, 1935 में दिया गया, तो क्या बताएंगे, संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कहां पर है, 1935 के अधिनियम है, गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगला बताइए, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, सूर्य की फोटोग्राफी बहुत कठिन क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर लोग इसका उत्तर दे पाएंगे, फिर भी चलिए मैं आपको बताता हूं। सूर्य की फोटोग्राफी अगर करना हो तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, क्या किया जाता है, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, ठीक है। तो आपको भी कैसे याद रखेंगे, याद रखिए हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्टेशन क्या करता है, वहां पर जो है सूर्य के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए उसी हीलियम से यहाँ शब्द बन गया हीलियो, ठीक है। तो याद रखिए स्पेक्ट्रो हीलियो, लास्ट में क्या है, ग्राफ, स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ के माध्यम से सूर्य की फोटोग्राफी की जाती है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है कौन सा बल आभासी बल होता है, जिसको केवल आभास किया जाता है, आभासी बल कौन सा होता है, तो याद रखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछता है ऑप्शन दे देता है अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल, कौन सा बल आभासी बल होता है, तो याद रखिए दोस्तों अपकेंद्री बल को आभासी बल कहा जाता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो लोग ज्यादातर लोग घर्षण टिक करेंगे या गुरुत्वाकर्षण को टिक करेंगे, ठीक है, लेकिन सही उत्तर क्या है आपका, अपकेंद्रीय बल, याद रहेगा। अपकेंद्रीय बल जो होता है दोस्तों इसको आभासी बल कहा जाता है। अब देखो अपकेंद्रीय बल होता क्या है, अगर मान लो किसी गोलाकार पथ पर कोई चीज तीव्रता से गति कर रहा, ऐसे मान लो कोई गोल पथ है, सपोज करो आपका जैसे मौत का कुआं आपने देखा होगा, उस पर लोग गाड़ी चलाते हैं ना मौत के कुएं पर, तो बहुत तेजी से लोग गति करते हैं, अगर गति यहां पर कम होगी तो बाइक लेके क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिए किसी गोलाकार पथ पर अगर कोई भी चीज तीव्रता से गति कर रही हो तो उस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर जो बल लगता है, कहां से, केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है वही बल कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, केंद्र से बाहर की ओर, याद रखिएगा अपकेंद्रीय बल कहां लगता है, केंद्र से बाहर की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उल्टा कर दोगे केंद्र की तरफ अगर लगने लगेगा तो अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि अशोक का कौन सा स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है, बुद्ध के जन्म से, अब इसके पीछे आप चलिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में, तो सीधे सीधे इस क्वेश्चन को ये पूछना चाहिए कि अशोक का कौन सा अभिलेख में लुम्बिनी की चर्चा हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन की टेक्निकलिटीज को समझिए, यहाँ पर बोल रहा है कि अशोक का कौन सा स्तंभ बुद्ध के जन्म से संबंधित है, तो याद रखिए रुम्बिनदेही अभिलेख, कौन सा, रुम्बिनदेही अभिलेख, ठीक है, बहुत लोग नाम सुने होंगे लेकिन इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा अपने आप में कठिन था, ठीक है। तो याद रखें रुम्बिनदेही अभिलेख जो है दोस्तों इसमें लुम्बिनी की चर्चा की गई, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब अशोक जो है धम्म की यात्रा पर निकल रहे थे तो उन्होंने तय किया कि हमको जो लुम्बिनी की यात्रा पर जाना है, और जब लुम्बिनी गए जहां पर गौतम बुद्ध जी पैदा हुए थे, तो वहां जाने के बाद जो है उन्होंने वहाँ की जनता के लिए जो गांव था उसके उसे कर मुक्त कर दिया, पहले पहले तो था कि नहीं वहाँ पर जो कर होगा वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया गया, लेकिन बाद में जो है जो लुम्बिनी ग्राम था वहाँ पर जनता को कर मुक्त कर दिया गया। तो ये भी याद रखिए कि कराधान की चर्चा किस अभिलेख में किया गया है, तो वो भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रुम्बिनदेही। तो उत्तर निकालिए, रुम्बिनदेही अभिलेख, कराधान की चर्चा भी वहाँ मिलती है, या कर मुक्त किए जाने की चर्चा भी वहाँ मिलती है, या अशोक की लुम्बिनी यात्रा का वर्णन मिलता है, ठीक है, ये सारा चीज़ याद रखिएगा। एक चीज़ और दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि रुम्बिनदेही अभिलेख मिला कहाँ से, ठीक है, कहाँ से मिला है, तो याद रखिए मिला है नेपाल के तराई क्षेत्र से, कहाँ से मिला है, और नेपाल के तराई क्षेत्र में दो इस तरह के अभिलेख मिल चुके हैं, एक तो रुम्बिनदेही मिला है स्तंभ लेख, ठीक है, और दूसरा मिला है निगलीवा, ये भी याद रखिएगा, निगलीवा अभी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा है लेकिन एग्जाम में पूछेगा जरूर, ठीक है, निगलीवा ये भी जो है नेपाल के तराई क्षेत्र से मिला है। आगे देखिए पंजशीर घाटी अवस्थित है, पंजशीर घाटी कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी सोच के बताइए, जो लोग अच्छे से कवर किए होंगे वही बता सकते हैं, बड़ा कठिन है अपने आप में, ठीक है, याद रखिए ये अफगानिस्तान में है, कहां पर है, पंजशीर घाटी ये आपके अफगानिस्तान में है, एक्चुअली में अफगानिस्तान में इसको पंजशीर की वादियां कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पंजशीर की वादियां। और उससे भी अच्छी चीज बता दूं दोस्तों, अच्छा पंजशीर इसका नाम कैसे पड़ा, यहीं पास में पंजशीर नदी बहती है,
पंजसीर नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पंजसीर। और ये जो पंजसीर घाटी है ना, ये चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है। याद रखिए, अफगानिस्तान में चांदी उत्पादन के लिए कौन सा जगह जाना जाता है, पंजसीर घाटी जाना जाता है। इसके अलावा पन्ना उत्पादन का भी अच्छा क्षेत्र बन गया है पंजसीर घाटी, क्योंकि सबसे अच्छे क्वालिटी का, सबसे ज़्यादा कैरेट का पन्ना जो है कहाँ पाया जाता है, वो आपके पंजसीर घाटी में पाया जाता है। याद रहेगा, काबुल के पास में पड़ता है, काबुल से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, ठीक है। और यह स्थापना जो है कहां पर हुई थी, आपको यह बताना है। यहां देखिए लिखा नहीं, लेकिन आपको बताना है कि स्थापना कहां पर हुई थी। तो याद रखिए, यह स्थापना हुई थी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है, दिल्ली में हुई थी। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, आपके मन में एक चीज और आ रहा होगा, एक था एच आर ए, जो कि बहुत पहले बना था। एच आर ए मतलब, एच माने हिंदुस्तान, आर माने रिपब्लिकन, और ए माने एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1924 में ही हो गई थी, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल था, आपके राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, सचिन नाथ सन्याल शामिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। इन लोगों ने मिल करके एच आर ए की स्थापना किया था। बाद में आपने सुना कि काकोरी कांड होता 1925 में, ठीक है, और काकोरी कांड के दौरान मुकदमा चलाया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सन्याल लोगों के ऊपर, और इन लोगों को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है। तो उसके बाद याचार्य को संभालने का पूरा दायित्व तो जो है आजाद जी के पास आ गया, मतलब चंद्रशेखर आजाद के पास आ गया। इधर एक और बड़े महान व्यक्ति थे जिनका नाम है भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह। भगत सिंह ने भी अपनी एक छोटी सी संस्था बना रखी थी, जिसका नाम क्या है, नौजवान सभा, भारत नौजवान सभा। याद रखिए, अब यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिए भगत सिंह ने। भारत नौजवान सभा का लाके विलय कर दिया जाता है इस याचारी में, ठीक है। भगत सिंह ने अपने इस संस्था का विलय कहां कर दिया, आजाद जी वाली संस्था में कर दिया, ताकि जो क्रांतिकारी संगठन है वो और मजबूत हो जाए। और उसी के बाद इसका नाम बदल दिया गया, और बड़ा सोच समझकर यहां पर नाम क्या रखा गया, एच आर ए, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिए। और ये नाम जो चेंज होता है दोस्तों, तो ये 1928 आ गया होता है, ठीक है, इसलिए ये हो गया। समझ में आया पूरी कहानी, तो अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तब तो आप अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का, ठीक है। हम इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाते, 3 क्वेश्चन बनाते, ठीक है, और पूछते हैं भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, फिर बताते भगत सिंह ने किया था, फिर पूछते हैं आपसे एच आर ए का स्थापना किसने किया था, फिर पूछते हैं आपसे एच आर ए का स्थापना किसने किया था, किस सन में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो ये सब गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, जो पुराना वाला था 1924 वाला हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो 1924 में बना था, ये पता है कहाँ पर बना था, ये कानपुर में बना था, ठीक है, कानपुर में बना था, याद रखिएगा, कानपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है, उस अनुच्छेद का नाम आपको बताना है। मुझे पता है कि बड़ा कंफ्यूज हैं आप लोग, ठीक है। याद रखिए, आर्टिकल 13 जो है, आर्टिकल 13, मैंने आपसे पहले ही कहा कि 5 नंबर से ज़्यादा नहीं देने वाला हूँ मैं, ठीक है, अब पाना है तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। आर्टिकल 13 में बताया गया है, 13वें आर्टिकल में बताया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में। अच्छा, क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन, तो याद रखिए एक चीज़ बताइए, हमारे देश में संविधान बनाने का दायित्व तो किसका है, 2 लोगों को, या तो संसद बनाएगा या तो जो राज्य की विधानसभा है, ठीक है, वो बनाएगा। यही लोग तो संविधान बनाते हैं, विधानसभा मतलब राज्य की जो विधान मंडल है, ऐसे बोलो, ठीक है, विधानसभा बोलने कोई मतलब नहीं है। तो इन लोगों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये लोग ऐसे कानून बना देते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। और मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, भाग 3 में। कौन से भाग में, भाग 3 में बताया गया है, ठीक है। पहला भाग नागरिकता से जुड़ा है, नहीं, संघ से जुड़ा है, दूसरा भाग नागरिकता से जुड़ा है, तीसरा भाग आपके मौलिक अधिकार से जुड़ा है, चौथे भाग में आपके राज्य के नीति निषेध तत्वों को बताया गया है। तो याद रखिए, कभी कभी ऐसा कानून बन जाता है जो मौलिक अधिकारों को छीन सकते हैं, हटा सकते हैं, या उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज अ गार्जियन सामने आता है, और वह देखता है कि पूर्व संवैधानिक कानूनों की व्याख्या करते हुए बताता है कि कहीं किसी कानून के द्वारा जो है किसी दूसरे कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसीलिए पावर दिया गया जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। और ये पावर उसको मिला कहां से है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था, अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीरा सेठ समिति का संबंध है दोस्तों हथकरघा उद्योग से, किससे, हथकरघा, ठीक है, हथकरघा उद्योग से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको नाम याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, मौलिक जैविक तत्वों की संख्या कितनी है, मौलिक जैविक तत्वों की संख्या, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि जैविक राज्य घोषित हुआ है सिक्किम, ठीक है, और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जैविक राज्य मतलब क्या होता है, देखिए जैविक, अभी आप सुन रहे हैं कि जैविक खेती बड़ी तेज़ी से चल रही है, तो जैविक खेती मतलब क्या होता है कि जो हम रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खादों का, कीटनाशकों ना, तो कहा जाता है कि इसको मत करो, ठीक है, हम जैविक खेती पे चलेंगे, गाय के गोबर पे काम करेंगे, ठीक है, मतलब जो जैविक चीज़ें हैं, जैविक पदार्थ है, उस पर काम करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ कह रहा है कि मौलिक जैविक तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए कुल 6 जैविक मौलिक तत्वों की संख्या है। कौन कौन से हैं? एक तो आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके अलावा सल्फर होता है और फास्फोरस होता है, SP, ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम, ये सब एकदम रटा होना चाहिए, तब तो आप कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए सुल्तानपुर जो है पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसी को देख करके लोग जो है यहाँ पर गलत कर जाते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है दोस्तों, ये आपके हरियाणा में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है, दिल्ली से काफ़ी नज़दीक है ये, ठीक है, यहाँ पर जा सकते हैं आप आराम से, गुड़गांव से भी पहले पड़ता है, तो हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। शुरुआत में तो दोस्तों इसको पक्षी अभयारण्य का जो दर्जा मिला था वो 1972 मिला था, लेकिन आगे चल के इसको राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दे दिया गया, यानी नेशनल पार्क का भी दर्जा दे दिया गया, और ये दर्जा दिया गया 1989 में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों ये है कि ये जो आपका पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्थानीय पक्षी भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और इसके अलावा प्रवासी पक्षी भी मिल जाएंगे। इसके अलावा भारत में जितने भी पक्षी अभयारण्य हैं वहाँ प्रवासी पक्षी बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इस सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, प्रक्रिया ये स्टार्ट कहाँ से होता है भोजन के पाचन की, आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सभी बता देंगे, बता भी दीजिए, ठीक है। चलिए तो याद रखिए भोजन के पाचन की क्रिया हमारे मुख से शुरू होती है, क्यों? क्योंकि मुख में होती हैं लार ग्रंथियां, और यहीं से हम क्या करते हैं, चबाना शुरू करते हैं दांतों के माध्यम से, और लार ग्रंथियां क्या करती हैं, यहीं से पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है। इसके बाद खाना पहुंचता है आपके ग्रास नली में, जिसको आप आहार नाल बोलते हो, ठीक है, और यहां भी कई सारे एंजाइमों से मुलाकात होता है। आगे पहुंचते हो तो अमाशय में जाते हैं खाना, ठीक है, अमाशय में, और अमाशय से होते हुए खाना छोटी आंत और तब फिर बड़ी आंत में जाता है, और लास्ट में मलाशय में जाता है, ठीक है। तो यह पूरा जो सफर है दोस्तों, यह पूरा सफर 9 मीटर का सफर तय करता है, भोजन जो होता है 9 मीटर का सफर तय करता है, क्योंकि 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है, तो 9 त्रिक के 27 फीट, यानी आप जो खाना खाते हो वो 27 फीट में जाकर पहुंचता है आपके कहां पर, गुदा में। तो याद रखिएगा फिलहाल तो है कि पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, तो मुख से। चलिए बताइए अगला, करा किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, स्ट्रेंजर, ठीक है, बताइए किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, तो जीनान को कहा जाता है, किसको? जीनान गैस को स्ट्रेंजर गैस की संज्ञा दिया जाता है। एक्चुअली मैं जीनान की बात करूं दोस्तों, तो ये एक तरह का अक्रिय गैस है, अक्रिय। अब आपके दिमाग में आएगा सर अक्रिय गैस क्या होता है, तो अक्रिय मतलब जो क्रिया नहीं करता, क्रिया मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता उसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस, यानी सदा मुक्त अवस्था में रहता है, ठीक है, किसी से लेना देना नहीं, ये अक्रिय है, ठीक है। तो याद रखिए सर कैसे पहचाने कि कौन सा गैस सक्रिय है, दोस्तों आवर्त सारणी जानते हैं ना, जिसमें परमाणु क्रमांक लिखे होते हैं और सभी तत्वों के नाम लिखे होते हैं, उस आवर्त सारणी में जो 0 वर्ग है, 0 वर्ग का जो तत्व है, वो सभी का सभी क्या है, अक्रिय गैसों की श्रेणी में आता है। सर 2-4 नाम बता दीजिए ना जो इंपॉर्टेंट हो, तो नाम नोट कर लीजिए आप लोग, हीलियम, ये क्या है, ये भी एक तरह का अक्रिय गैस है, देखिए हाइड्रोजन मत करिएगा, हीलियम है जो आपका वो अक्रिय गैस है, ठीक है। दूसरा आपका नियान, ठीक है, ये भी आपका अक्रिय गैस है। आर्गन जो बल्ब के अंदर पाया जाता है, ये भी आपका अक्रिय गैस है। क्रिप्टॉन भी आपका अक्रिय गैस है, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ठीक है, जब ज्वालामुखी या तूफान उफान आने वाला होता है तो वायुमंडल में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है, भूकंप खास करके, ठीक है, याद रखिए, तो रेडॉन की मात्रा बढ़ती है, वो रेडॉन भी अक्रिय गैस है, ठीक है। इस तरह से अक्रिय गैस होती है, क्योंकि अक्रिय गैस बड़ा दुर्लभ होती हैं, इसलिए उनको दुर्लभ गैस भी कहते हैं, ठीक है, दुर्लभ गैस, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ पर, बहुत कठिन क्वेश्चन है, बताओ भाई बताओ, कहेंगे 4 ऑप्शन चाहिए सर, बिना 4 ऑप्शन का सरेंडर कर जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आएगा कुछ दिन चलने दो सीरीज, आएगा बड़ा मजा आएगा आपको इस सीरीज को पढ़ के, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान जो है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। फिलहाल तो इसका नाम भी बदल गया है, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान का नाम बदल करके इसका रख दिया गया है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, याद रहेगा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नियंत्रण केंद्र इसका नाम रख दिया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी दोस्तों कई सारे ब्रांचेस भी हैं, 7-8 ब्रांचेस हैं, एक आपके बनारस में है, बिहार की बात करेंगे तो पटना में है, ठीक है, याद रखिए, नाम चेंज हो गया ये भी याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। कह रहा भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है। क्या सर आज कहाँ कहाँ से क्वेश्चन खोज के लाए। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि मैं क्वेश्चन ढूंढ करके टाइप करके तब पढ़ा रहा हूँ आपको, इसीलिए क्वेश्चन इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो याद रखिए भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है। आप सभी को पता है कि सबसे बढ़िया जो कोयला होता है उसका नाम है एंथ्रेसाइट। देखिए जो आपको पता हो मैं बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया कोयला सर एंथ्रेसाइट होता है। सबसे नंबर दूसरे का जो कोयला होता है दो नंबर पर वो बिटुमिनस कोयला होता है, बिटुमिनस कोयला होता है। नंबर तीन का जो कोयला होता है लिग्नाइट कोयला होता है। नंबर चार का जो कोयला होता है सबसे खराब होता है पीट कोयला होता है। ठीक है, ये चार कोयला होते हैं सर, ये हमको पता है। इसके अलावा क्या पता है? नहीं पता। इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो है वो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, भागिए मत। अब यहां पे दो तीन बातें हमारी सुनिए बहुत ध्यान से दोस्तों। अगर हम युग की बात करें, मतलब देखिए कोयला का जन्म कब हुआ अगर उसकी बात करें तो दो इसका स्थान मिलता है। ठीक है, एक तो गोंडवाना युग का नाम आता है हमारे सामने, गोंडवाना युग, ठीक है, जिसमें कोयला बना था। दूसरा नाम आता है तृतीय कल्प का, तृतीय कल्प। हमारे देश में इसी दो श्रेणी के कोयले पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक गोंडवाना कल्प का समय का और एक तृतीय कल्प का, जिसको हम ट्रिटरी एज कहते हैं। ठीक है, 98% जो कोयला है वो आपके गोंडवाना कल्प का पाया जाता है, केवल 2% कोयला जो है आपका ये तृतीय कल्प का पाया जाता है। तृतीय कल्प का पाया जाने वाला कोयला का नाम बताइए तो लिग्नाइट कोयला का नाम सुने ना, लिग्नाइट कोयला, ये आपका किस कल्प का है? तृतीय कल्प का है। या हम ऐसे कहते हैं दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत में जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, इसके अलावा आप नीचे चले जाओ तमिलनाडु में और आप आ जाओ पश्चिम साइड में राजस्थान में, इन सभी जगहों पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयले का थर्ड टाइप है। ठीक है, और जो सबसे बढ़िया कोयला होता है वो गोंडवाना युग का कोयला माना जाता है। ठीक है, जिसमें एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस सबसे बढ़िया कोयला होता है। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों वो नंबर वन पर है, जबकि रिजर्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड के पास है, लेकिन निकालने में कौन आगे है? छत्तीसगढ़ निकालने में आगे। तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर याद रखेगा। और कोयला उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, पहला चीन का है, दूसरा अमेरिका का है और तीसरा जो है इंडिया का है, भारत का है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा जो आपका रानीगंज है, बोकारो है, झारखंड में झरिया है, ये सब जो है यहाँ पर गोंडवाना युग श्रेणी की जो है कोयला पाया जाता है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे सेवराय की पहाड़ियां कहां पर अवस्थित हैं? सेवराय की पहाड़ियां, तो याद रखें दोस्तों सेवराय की पहाड़ियां स्थित हैं तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में दो तीन और पहाड़ियां हैं सेवराय के साथ साथ, दो पहाड़ियों का नाम और याद रखिएगा, जावड़ी की पहाड़ी। पूछता है आपसे एग्जाम में जावड़ी की पहाड़ी कहां पर है, ठीक है, या आपसे पूछ दे कि सेवराय ही पूछ दिया, ठीक है, या आपसे एक तीसरा पूछ दे कालरायन की पहाड़ी, कालरायन की पहाड़ी कहां पर है, तो तीनों प्रश्नों को याद रखिएगा, जावड़ी की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी और कालरायन की पहाड़ी, ये तीनों ही तीनों कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा। और इन सबको मिला करके पचाई मलाई की पहाड़ियां कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पचाई, पचाई मलाई, पचाई मलाई, ठीक है, जैसे अन्ना मलाई है ना उसी तरह से पचाई मलाई की पहाड़ियां कहां पर हैं? ठीक है, तो तमिलनाडु में है, याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सोच रहा हूँ पेन की कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, हाँ, और इसको थोड़ा सा पतला भी कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दे रहा है दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब ये किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी दिखाया था और उसको अपनाया भी था। ठीक है, तो याद रखिए मुगल बादशाह औरंगजेब, अगर आप औरंगजेब की बात हो रही तो आपको पता होगा कि ये कट्टर हिंदू विरोधी था, हालांकि इसके समय में सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार लोग थे, लेकिन उसके बाद भी यह मानता था कि एकदम इस्लाम को सही तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए, 5 टाइम का नमाज पढ़ा जाना चाहिए, मतलब सब कुछ, संगीत के विरुद्ध, ठीक है, वो सारी चीजें, शराब के विरुद्ध, तो ये इस तरह का एक नाम आता है, इसीलिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में पूछता है एग्जाम में आपसे कि जिंदा पीर किसको कहते हैं, तो औरंगजेब को कहते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब जो था दोस्तों ये नक्शबंदी संप्रदाय को मानता था, ये आपके सूफी संप्रदाय में मैंने पूरा वीडियो बनाया है और उसको आपको डिटेल से पढ़ाया, तो आप जाके देखिए हिस्ट्री में। ठीक है, नक्शबंदी सिलसिले को मानता था, उसी में इसकी दिलचस्पी थी। नक्शबंदी सिलसिले को भारत में लाया किसने था? तो इसको लाया था शेख अहमद सरहिंदी ने। किसने लाया था? शेख अहमद सरहिंदी, इनका नाम भी याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेख अहमद सरहिंदी ने लाए थे और अकबर के समकालीन थे। अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या, बहुत फेमस आदमी थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला। ठीक है, ये इनके गुरु का नाम था ख्वाजा बाकी बिल्ला, जो कि नक्शबंदी संप्रदाय के क्या थे,
हेड थे या उन्होंने ही शुरू किया था। चलिए आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा, जल्दीबाजी मत बताइए, सोच के उत्तर दीजिए, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल कौन सा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की बात मत करिए क्योंकि वो भारत में नहीं, हो पाकिस्तान में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भारत में कौन सा है। ठीक है, तो आप उत्तर याद रखिए राखी गढ़ी, कौन सा, राखी गढ़ी जो है दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है। और अभी बताऊँ, हाल ही में 2018 में चर्चा का विषय भी बना था क्योंकि यहाँ से कुछ पुराने कंकाल पाए गए हैं और उन पर वैज्ञानिक जो है डीएनए टेस्टिंग कर रहे थे, तो टेस्टिंग करने के बाद पता चला कि यहाँ पर जो डीएनए था वो आर्यों के डीएनए से मैच नहीं खाया। ठीक है, हालांकि इसको लेकर बड़ा बहसबाजी हुआ था, आर्यों के डीएनए से मैच नहीं खाया क्योंकि आर्यों के डीएनए का नाम क्या है दोस्तों, तो R1A1, याद रखिएगा R1A1 ये मौजूद होता है तो माना जाता है कि आर्यों का डीएनए है, लेकिन इन कंकालों में आर्य का डीएनए नहीं पाया गया। और राखी गढ़ी पड़ता कहाँ पर है, तो आपके हरियाणा में है, कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, याद रखेगा। और अगर ऐसे पूछे कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन था भारत न लगाए, तो आप उत्तर में बताइएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा सबसे बड़ा था, ये सब प्रश्न याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि तांबा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, कौन सा देश है जो तांबा का उत्पादन करता है, तो याद रखिए चिली देश है, कौन सा, चिली। अगर मैं अमेरिका का एक मैप बनाऊँ दोस्तों, अमेरिका का, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का, क्योंकि चिली जो है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका में पाया पड़ता है, तो ये है चिली। ठीक है, यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर इतना बड़ा देश है और यहीं पर आपकी एंडीज पर्वतमाला है। ठीक है, एंडीज, याद रखें एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की लंबी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, और जो चिली देश है दोस्तों ये पूरे विश्व का सबसे लंबा देश है, ये भी एग्जाम में आता है, तो इसको याद रखिएगा, विश्व में सबसे लंबा देश कौन सा है, चिली है। अब देखिए ऐसे ना, ऐसे इतने लंबाई में फैला हुआ है चिली, इसको याद रखिएगा। तो तांबा का उत्पादक देश कौन है, चिली। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों पेरू, दूसरे नंबर पर कौन आता है, पेरू, याद रखिएगा। पहले पे चिली आता है, दूसरे पे पेरू आता है, और तीसरे पे क्या आता है, चीन आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे चीन आता है, इसको भी याद रखिएगा। चिली एक और मायने में जाना जाता है दोस्तों, यहीं पर अटाकामा मरुस्थल है, आपसे पूछता है एग्जाम में भी, अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है, तो आपके चिली देश में है, जो कि पृथ्वी का सबसे सूखा स्थान भी है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और पूछता है, क्या चिली ब्राज़ील की सीमा को टच करती, नहीं करती, क्यों, क्योंकि बीच में बोलिविया और अर्जेंटीना देश पड़ जाते हैं, इस वजह से जो है चिली ब्राज़ील को टच नहीं करती, ये भी याद रखेगा। कह रहा है एलिनो किस मानसून से संबंधित है, एलिनो का संबंध किस मानसून से है, तो एलिनो दोस्तों डायरेक्ट भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, इसलिए इसका संबंध भारतीय मानसून से है, क्यों, क्योंकि भारत में होने वाली 80% वर्षा किस पर डिपेंड करती है, ये एलिनो पर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा एलिनो मतलब क्या होता है, अगर इसकी मीनिंग निकालेंगे तो पता चलेगा इसका मतलब होता है छोटा लड़का, एलिनो मतलब क्या होता है, छोटा लड़का। फिर से मैं आपको उसी चिली वाले देश के पास में लेकर चल रहा हूं जहां पर प्रशांत महासागर है, याद रखिए एलिनो होता क्या, समझिए प्रशांत महासागर के तट पर अगर किसी किसी भी कारण से समुद्री तापमान अगर वहां का बढ़ जाता, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रशांत महासागर के तट पर किसी भी कारण से अगर समुद्री तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसे में एलिनो का आना माना जाता है, क्यों, क्योंकि समुद्री धाराएं और वायु प्रवाह की जो दिशा है दोनों बदल जाती है, और कहीं ना कहीं ये जो है भारतीय मानसून के लिए बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन इसकी वजह से कहीं कहीं जो है सूखा भी पड़ता है और कहीं कहीं भारी वर्षा भी होती है, ये भी याद रखिएगा। करा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है, ठीक है, संवैधानिक स्तर किसके माध्यम से प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 1992 में, याद रखिएगा 1992 में 73वां, इसके माध्यम से क्या किया गया था, मज़ा नहीं दे रहा यार कलम की कलर ना, चलिए इसके माध्यम से क्या किया गया था दोस्तों, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, और इसके माध्यम से हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो बताइए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब अगर इतना चीज जोड़ने के बाद भी आप ना पढ़ो तो इनको जोड़ने का क्या फ़ायदा, बताइए, भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाई क्यों जोड़ी गई, क्योंकि इसी के माध्यम से हमने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को। दोस्तों आपको पता हो ना हो, मैं पूरी पॉलिटी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप जाके पॉलिटी के वीडियो को देखिए, पूरा पॉलिटी वहाँ एकदम डिटेल में पढ़ाया गया, तो देखेंगे और वहाँ पढ़िएगा, पंचायती राज व्यवस्था पे 3-4 लेक्चर हैं कायदे से, ठीक है, उसको पढ़ेंगे सारा मैटर क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों, अनुच्छेद 243 में इसके लिए चीज़ों को जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 में 15 सबसेक्शन ला के यहाँ पर ऐड किए गए, तो ए से लेकर ओ तक, या इंग्लिश में कहिए और हिंदी में कहिए, तो क से लेकर
अड़ तक चीज़ें जोड़ी गई, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करा रेणुकूट में स्थापित हिंडाल्को एल्युमिनियम कारखाना ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया? क्या सोच रहे थे, दुर्गापुर पूछूंगा क्या कि आप बता दोगे ब्रिटेन के सहयोग से बना है? नहीं, नया नया पूछूंगा अब, ठीक है। हिंडाल्को एल्युमिनियम कारखाना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? याद रखिए अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया, याद रहेगा अमेरिका के सहयोग से। चलिए अब एक दो चीज़ और यहाँ से याद कर लीजिए। हिंडाल्को जो है दोस्तों ये आपके आदित्य बिरला वाली कंपनी है, आदित्य बिरला वाली। एक चीज़ और याद रखिए कि ये कब बना था, तो 1958 बना था, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ एक चीज़ यहाँ से याद आ गया दोस्तों, हिंडाल्को के पास में दोस्तों ये कहाँ पर है, रेणुकूट में, और रेणुकूट में ही दोस्तों एक नदी बहती है आपकी रिहंद नदी, ठीक है। अब रिहंद नदी से आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी क्योंकि रिहंद नदी पर ही एक बांध बना करके पानी रोक करके वहाँ पर जो है एक परियोजना बनाई गई है जिसको अच्छा उस जगह को क्या बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर, याद रखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ पर है, तो आपके रेणुकूट में, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। और जो हिंडाल्को है ना दोस्तों ये विश्व की दूसरी एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी बन गई है, ठीक है, ये भी याद रखिए। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापन क्या है, किसके माध्यम से मापा जाए कि हमको गरीबी की तीव्रता का माप पता चल जाए, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, याद रखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी, ठीक है, गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, गरीबी सूचकांक इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक है क्या, पहली बात तो याद रखिए इसको UNDP निकालता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू इसको निकाला जाता है। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर दोस्तों वो है क्या कि आप इसको समझिए कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता क्या है। तो मैं आपको बताऊँ कि किसी भी देश में गरीबी का मापन करने के लिए जो एक अंतर्राष्ट्रीय मापन बनाया गया है जिसको सभी देश फॉलो करते हैं वो क्या है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। 100 से अधिक विकासशील देशों ने इसको जो है एक्सेप्ट किया है कि ठीक हम इसी तरह से मापन करेंगे। इसमें किया क्या जाता है, इसमें हेल्थ देखा जाता है, एजुकेशन देखा जाता है, और लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है। हेल्थ में देखा जाता है कि व्यक्ति को जो है पोषण युक्त आहार मिल पा रहा है कि नहीं, सही प्रकार की शिक्षा मिल पा रही है कि नहीं, घर में शौचालय पानी बिजली फर्श है कि नहीं है, यानी रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसीलिए तो बहुआयामी कहा गया, बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, और गरीबी मतलब पावर्टी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ठीक है, इसलिए कहा गया। तो इसके माध्यम से अब जो है गरीबी मापी जाती है। करा बीजी जोक का संबंध किससे है, तो एक प्रसिद्ध वायलिन वादक थे, हालांकि अब तो इनका निधन हो चुका है, ठीक है, वायलिन वादक थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीजी जोग, ठीक है। वायलिन वादकों में बड़ा कम नाम आपको सुनने को मिलता है लेकिन इनका नाम तो कम से कम आप याद ही रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न आपके लिए था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। 25 प्रश्नों की जो श्रृंखला है अगर आप डेली इससे जुड़ेंगे तो बहुत कुछ यहाँ से मिलेगा। नाम 25 क्वेश्चन का है, जोड़ के देख लो 50 प्लस क्वेश्चन पर हम लोग बात कर चुके हैं। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि यहाँ सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए, आकर के वहाँ से डिटेल में वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।